श्याम एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, यहाँ पे आप लोगों का एक छोटा सा डाउट है जिसे मेरे को इस वीडियो में क्लियर करना है। ये वीडियो भी काफ़ी छोटी होगी, ठीक है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। गाइज, आप लोगों का ये छोटा सा डाउट है, अगर हम किसी भी बूफर के ऊपर ऊपर से अगर मैग्नेट रख देते हैं तो क्या उसकी पावर में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो डाउट है ये क्लियर करूंगा इस वीडियो में। लेकिन गाइज, इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और साथ ही हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जहाँ पे मैं ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, ठीक है। गाइज, यहाँ पे मैंने अपने भाई की चैनल को अभी तक प्रमोट नहीं किया है, वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, गेमिंग के ऊपर वीडियोज़ बनाता है। अगर आप में से कोई भी गेमिंग में इंटरेस्ट रखता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ यार, प्लीज़ जाके उसके चैनल को सपोर्ट कर देना। काफ़ी मुश्किल से उसने 500 जो सब्सक्राइबर है वो अभी तक पूरे किए हैं, ठीक है, मेरे से काफ़ी छोटा है, तो एक बार उसे सपोर्ट जरूर कर देना, ठीक है, जिससे कि उसे थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और जो वो है आगे भी वीडियोस बना पाए, ठीक है। तो गाइस, बात करते हैं कि अगर हम किसी भी बूफर के ऊपर ऊपर से मैग्नेट रख देते तो क्या वो काम करेगा। तो गाइस, वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। जो आपने ऊपर से मैग्नेट रखा है वो किसी भी काम का नहीं होगा, भले वो वहाँ पर चिपक जाए, कुछ भी हो गया, लेकिन जो उसकी पावर है उसमें बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। जितना आउटपुट वो पहले दे रहा था उतना ही आउटपुट देगा। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये जान लेते हैं। गाइज, आपने देखा होगा जो सबवूफर होता है उसमें डबल मैग्नेट होता है, लेकिन जो डबल मैग्नेट होती है उसके, देखा होगा आपने, एक मैग्नेट वाली जो बूफर होता है उसके पीछे लोहे की पत्ती लगी होती है। अगर उसके ऊपर आप दूसरा मैग्नेट लगा दोगे तो वो बिल्कुल भी वर्कलेस होगा, किसी भी काम का नहीं होगा, ठीक है। जो सबवूफर्स होते हैं वो क्या होता है, बीच में से खोखला होता है, एक मैग्नेट में बीच में गोल होता है, ठीक है, उसी के ऊपर दूसरी मैग्नेट लगा करके उसके अंदर भी गोल होता है, ठीक है। अब उससे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दो मैग्नेट हो गई, दोनों मैग्नेट के अंदर जब कॉइल होती है, ठीक है, जो कॉइल होती है वो दूसरी वाली मैग्नेट तक पूरी टच होगी, जब उसके अंदर पावर जाएगा तो पूरी टच होगी और पूरी बाहर तक आएगी। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पर्दा है वो ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है, जब ज़्यादा ऊपर नीचे जाएगा तो आपका बेस जो है वो काफ़ी अच्छे से आएगा। अब ये जो है, अगर हम नॉर्मल बूफर में जो हमारा एक मैग्नेट का बूफर होता है उसके ऊपर हम डायरेक्ट मैग्नेट लगा देते हैं तो देखिए क्या होगा, जो कॉइल है वो तो फर्स्ट ही मैग्नेट के पास जाएगी ना, उसको फाड़ करके जो उसके अंदर लोहा लगा हुआ है उसको थोड़ी फाड़ के दूसरे मैग्नेट की तरफ चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो फर्स्ट ही मैग्नेट तक रहेगी और वहीं से वापस आ जाएगी, ठीक है, वहीं से अप डाउन होगी, ना कि वो पूरा सेकंड मैग्नेट तक जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपको लगाना ही है तो उसको पीछे जो लोहा लगा रहता है उसको हटा करके फिर उसके ऊपर अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर लोहा लगा देते हैं तब जा करके ये आपका काम करेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है स्पीकर्स के बारे में तभी आप ऐसा ट्राई करना, नहीं तो आपका स्पीकर जो है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज, ये थोड़ी सी वार्निंग थी, आप ऐसा कुछ ट्राई मत करना, ठीक है। अगर आपको लेना ही है तो आप डबल मैग्नेट का सबवूफर ही ले लेना जा करके, ठीक है, ये आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो आपके पैसे भी ख़राब हो जाएंगे और वो किसी काम का भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और कोई गलत चीज़ मैंने बताई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और ऐसे ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।